सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास को बेटा स्टार्ट करने से पहले आज मैं जो ऑनलाइन आया हूँ वो मैं किसी थोड़े से छोटे से मकसद के लिए आया हूँ। अपने आप को आज मुझको प्रूफ करने आया हूँ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले हमारे साथ कौन कौन बच्चा जुड़ चुका है। उत्तम सिंह, राकेश सिंह, हृदय राजपूत, शुक्ला स्टडी पॉइंट एंड दुर्गेश कुमार गुप्ता, लाल बहादुर, डॉली शर्मा, मोहम्मद रजवान, रिंकी राज, कृष्णकांत, नितेश रस्तोगी, आशीष यादव, शिवाजी, अवनीश पासवान, ध्रुव लाल, उमेश, मिथिलेश, जय यादव, अंकुल, अंकुर, संगम, गरिमा गुप्ता, रवि मौर्य, अजीत सोनी, छविराम, है ना, गरिमा गुप्ता, गतिराम, दीपक राजपूत, अंकुल, अरुण, आर्यन शाह, योगेंद्र, उमेश, हिमांशु, फहीम अहमद। फहीम अहमद जी, आज आप पहली बार जुड़े हुए हैं और आपका एडमिशन भी आज हुआ है, मैंने देखा, है ना। आप परेशान मत होइए सर, हमने एडमिशन ले लिया है, हमें पासवर्ड भी मिल गया है, लेकिन चल नहीं रहा बेटा। क्लास 16 तारीख से शुरू होगी ना, 16 सितंबर से नया बैच आ रहा, 15 तारीख तक तो एडमिशन होंगे, है ना। 16 तारीख शुरू होगा मंडे से, ठीक है। सिराज अंसारी, मिथिलेश कुमार, हृदय राजपूत, है ना, वारिस जी, ध्रुव लाल, गतिराम, ओके ओके, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो मैं आज क्या बताने वाला हूँ, आज मैं बहुत एक बात बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा मौर्य वंश लगा हुआ है ना। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ना एक कम्युनिटी पर लोग डालते हैं कि हमारा कौन सा बैच आने वाला है, तो मैंने भी एक बैच डाला कि मेरा बैच 15 सितंबर को आ रहा है, जीएस स्पेशल का, ठीक है ना। तो जो जो जिन्हीं बच्चों को पढ़ना रहना है वो अपना एडमिशन ले ले, मन हो तो ले, मन हो तो ना ले, बहुत सारी दुकानें हैं, है ना। तो उनमें से सारे कमेंट पॉजिटिव थे सिवाय दो कमेंट के, और आप जानते हो मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से लोगों को पढ़ाता हूँ, है ना। तो मुझे किसी का एक कमेंट भी बहुत खलता है। तो उसी में से एक बच्चे ने कहा कि अरे यार यहाँ तो ये फ्री में बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे लेकिन पेड बैच में ये अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, हमें ऐसा लग रहा है। तो दूसरा कह रहा हाँ बहन ऐसा है क्या, तो तीसरा कह रहा है भाई ऐसा है क्या। तो मैं बता दूं आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्री वाले बैच में बहुत सरल पढ़ाता हूँ, और जो बच्चा मेरा जानता है वो मुझको बहुत अच्छे जानता है। मैं फ्री वाले बैच में जो यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ वो आसान आसान सा सरल सरल सा पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए, है ना, और वो भागे ना यहाँ से। जबकि जो वो पेड बैच में आते हैं ना तो उन्हें खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैं यही दिखाने आया हूं, है ना, कि बेटा जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं आपको पेज बैचे पढ़ाता हूं और जो मैं पढ़ाता हूं वो मेरे बच्चों को हमेशा रट जाता है, याद हो जाता है। और आज मैं प्रूफ करूंगा, मैं अपना एक वीडियो, ये मौर्य वंश वाला कोई भी वीडियो उठा लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी उठा लीजिए, मैं जो भी जीएस पढ़ाया हूं जीएस में, ठीक है ना, मेरे पास डाटा बचा नहीं है, हालांकि डाटा रिमूव हो गया, करप्ट हो गया है, वरना मैं सारा वीडियो लगा देता और आप अपने देख लेती है कि आपकी लिमिट क्या है, जो आप कहीं और पढ़ रहे हो और हमसे जो पढ़ रहा है उसकी लिमिट क्या है बेटा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, कि आज मैं मौर्य वंश का अपना जो क्लास मैंने लिया है, जो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है बेटा, ठीक है ना, मैं वो वीडियो लगाऊंगा। और जिसको जिसको शक है कि वो बहुत बड़ा तुर्रम खान है, आज मेरे बच्चे भी यहीं पर होंगे और आप भी आंसर दीजिएगा, जो मेरे बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो भी आंसर देंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है ना। और जो बच्चे हमसे पढ़े हुए, हमने उनको लिंक भेज दिया, वो भी आ गए होंगे, है ना बेटा। हाँ, आप लोग प्रूफ कर देना, जो मैं वीडियो लगाऊं, जो भी मैं क्लास लगाऊं, है ना, उसको आपका आंसर पहले देना है। मैं आज पूरे जब तक वीडियो चलेगा तब तक मैं आज आपके कमेंट देखूंगा और तब तक मुझे नाम याद रहेंगे, है ना। और फिर हम लोग जीएस स्पेशल वाले बैच में मिलेंगे और एक दूसरे की तारीफ करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी लोग जल रहे हैं तो जलने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं और मैं लगातार कमेंट देखता रहूंगा, ठीक है ना। तो ये मौर्य वंश जो हमने हिस्ट्री स्पेशल में पढ़ाया था, जीएस स्पेशल में वही वीडियो में लगा रहा हूँ, बाकी जिनको डाउट है वो डाउट अपना दूर कर लेंगे कि असद नहीं सर फ्री में ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं और पेड वाले बैच में खराब पढ़ाते हैं। 16 सितंबर को नया बैच आ रहा, 15 सितंबर से आपके एडमिशन चलेंगे, अभी तक ऑफर चल रहा था तो आपकी फीस 1499 थी, अब आपकी फीस 1999 रुपये हो गई है, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत लोगों तक बात नहीं पहुंची है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं। चलिए देख लीजिए मेरा वीडियो वाला जो कोर्स है वो देख लीजिए पहले, तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है ना। मुझे पता है अविनाश पासवान जी मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी, है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, है ना। चलिए तो क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं, मैं लगाता हूँ क्लास, बिल्कुल बिल्कुल आराम से देखिएगा, मजा ना आ जाए तो बताइएगा।
हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग में। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए बेटा, सभी लोग जुड़ चुके होंगे हमारे साथ, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम लोग को आज पढ़ना है मौर्य वंश, हम लोग को आज पढ़ना है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं भाई, मौर्य वंश क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की जानकारी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो होता है कि मौर्य वंश की जानकारी हमें कैसे कैसे प्राप्त होती है ना, उनके नाम बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मौर्य वंश की जानकारी हमें कैसे कैसे प्राप्त होती है, तो आपको कुछ किताबें याद करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आपको याद करना पड़ेगा मेघस नीज की इंडिका, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मेघस नीज की किताब कौन सी है, तो मेघस नीज की किताब है इंडिका, ठीक है। चाणक्य की कौन सी किताब है, तो चाणक्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र, चाणक्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है ना। इसी में अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कथा सहित सागर किसकी रचना है, तो सोमदेव की, सोमदेव की किताब का नाम है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ठीक है। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी। तो आपको ये भी इतने क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, क्या क्या कि मेघस नीज की किताब है इंडिका, चाणक्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र, सोमदेव की किताब का नाम है कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की किताब का नाम है ना बृहत कथा मंजरी। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अच्छा अगला बात क्या है, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, दो किताबें और याद कर लेते हैं क्या, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है ना, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और पतंजलि या पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है बेटा। तो इतनी किताबें आपको याद करनी पड़ेंगी, इतनी किताबें आपको ना चाहते हुए भी याद करनी पड़ेंगी कि बताइए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें किस किताब से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो हमने यहाँ पर आगे सारी किताबें आपकी लिख दी कि मेघस नीज की इंडिका, चाणक्य की अर्थशास्त्र, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है ना। तो इनसे हमें क्या मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ऐसे कौन से बौद्ध ग्रंथ है, ऐसे कौन से बौद्ध ग्रंथ है जिनसे हमें है ना मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो आपको यहाँ पे याद करना है श्रीलंका के सबसे बड़े दो ग्रंथ हैं, श्रीलंका के बहुत बड़े जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत है, वैसे श्रीलंका के दो बौद्ध ग्रंथ हैं, एक का नाम है महावंश, एक का नाम है दीपवंश, है ना। तो दीपवंश और महावंश को श्रीलंका का महाकाव्य कहा जाता है, अपने यहाँ महाकाव्य रामायण और महाभारत को माना जाता है, इनके यहाँ दीपवंश और महावंश को माना जाता है, ठीक है ना। तो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से, महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, दिव्यावदान, महाबोधिवंश, महाबोधिवंश, क्लियर है। तो इन इन बौद्ध ग्रंथों से हमें मौर्य वंश का पता चलता है। इसी में अगर आपसे कह दिया जाए, ठीक है, अगर इसी में आपसे ये कह दिया जाए कि बताइए मौर्य वंश की जानकारी हमें किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो जैन ग्रंथ में आपको दो याद करने पड़ेंगे, एक भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रवन, ठीक है ना। तो जैन ग्रंथ में आपको सिर्फ दो याद करनी पड़ेंगी, एक है कल्पसूत्र, अब कल्पसूत्र की रचना किसने करी है, भद्रबाहु ने, और जैन धर्म में हमने आपको भद्रबाहु बताया है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, परिशिष्ट प्रवन, परिशिष्ट पर्वन, और परिशिष्ट पर्वन के है रचयिता कौन है, हेमचंद्र है, परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है बेटा, हेमचंद्र है। बात समझ में आई, क्लियर है, आवाज क्लियर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आवाज तो बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए एक बार हम और चेक कर लेते हैं, ये सुबह सुबह हजार लोगों में, 100-200 लोगों में एक दो लोग आ ही जाते हैं ऐसे, कुछ ना कुछ हमारे साथ गलती बताते हैं भाई, फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। बेटा हमारे तरफ से सब कुछ सही है, हैं? हमारे तरफ से ना कोई गूंज है ना कुछ है, बताइए बेटा, सब लोग बताओ,
रुकिए सही कर। सही हो गई होगी आवाज, बात सही होगी सबको, अब आ रही है। ठीक है हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही हो गया है, देखते हैं भाई सुनो, तब एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मौर्य वंश पढ़ने जा रहे थे हम लोग, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, कर्ण और आम सातवाहन। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ तक बात हम लोग कर चुके थे, भारत पर विदेशी हमलों की बात कर चुके थे, ईरानी हमला बताया था, यूनानी हमला बताया था, तो मौर्य वंश के बारे में आए थे। क्वेश्चन सबसे पहला पूछता है कि मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो मौर्य वंश की जानकारी हमको कुछ किताबों से प्राप्त होती है, साहित्यिक स्रोत, कुछ धार्मिक स्रोत भी हमारे पास है। अगर धार्मिक स्रोत की बात की जाए, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में अगर आपसे कहा जाए श्रीलंका जिसका पुराना नाम सीलोन था या सिंगली था ना, श्रीलंका को बेटा कहीं पर सीलोन के नाम से जाना जाता है और कहीं पर इसको सिंगली के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पर इसको सिंगली के नाम से भी जाना जाता है। सेल खत्म हो गया है कि वहाँ पे जगह रखते हैं, वहाँ चलने का रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बहुत सा रुक जाओ। चलिए अब सही हो गया। अरे बैटरी खत्म हो गई माइक की, और क्या है, रुक जाओ अब आ रहा होगा, क्यों अब सही है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, अब सही हो गया बेटा, अब सही हो गया। देखो चलो कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। अब मानव जिंदगी है, अब ऐसा चलेगा ही। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, फिर से इसको बताते हैं एक बार, है ना। तो मौर्य वंश, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मौर्य वंश की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है प्राचीन इतिहास में, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, पहले तो इसको जानना चाहिए हम लोगों को। तो मौर्य वंश की जानकारी हमको अगर बौद्ध ग्रंथों की बात की जाए, तो श्रीलंका के सबसे बड़े दो बौद्ध ग्रंथ हैं जिनको हम लोग श्रीलंका का महाकाव्य कहते हैं, जिसका नाम है महावंश और दीपवंश, ठीक है ना। तो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से जिसको हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, महाबोधि वंश, और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सीलोन या सिंघली। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कौन कौन से ग्रंथ है जिसको जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, कल्पसूत्र और भद्र। कल्पसूत्र किसने लिखी है, भद्रबाहु ने लिखी है, और परिशिष्ट पर्वण किसने लिखी है, हेमचंद्र ने लिखी है। और भी बहुत सारी किताबें हैं, कौन कौन सी, चाणक्य की अर्थशास्त्र, मेघस्त्रीज की इंडिका, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, और पंतजलि का महाभाष्य, ठीक है ना। तो इन सभी किताबों से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, क्लियर है। तो ये हो गया, इधर हमने आपको बताया साहित्यिक स्रोत, इधर हमने आपको बताया धार्मिक स्रोत,
क्लियर है। अब कुछ लोग विदेशी हैं, है ना, वो भी इस बात की जानकारी देते हैं कि मौर्य वंश कैसा था। जैसे हम लोग बात करें विदेशी विवरण की बात करें तो स्ट्रैबो हो गया, कार्टियस हो गया, डियोडोरस हो गया, प्लिनी हो गया, एरियन हो गया, जस्टिन हो गया, प्लूटार्क हो गया, नियारकस हो गया, पिनायस हो गया, अरिस्टोबुलस हो गया, तो इन सब लोगों ने भी मौर्य वंश की अच्छी जानकारी दी है। बात समझ आई बेटा, इन लोगों ने भी मौर्य वंश की अच्छी जानकारी दी है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, है ना, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, तो आप सबको पता है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। हर कुछ लोग कहते हैं चाणक्य ने कहा है कि मैंने इसको एक शिकारी से 1000 में खरीदा था, मैंने इसको एक शिकारी से खरीदा था, ठीक है, और फिर इसको तक्षशिला ले गया, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। पहले शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य एक सेना बनाकर डाकू का रूप लेकर सब लोगों की लूटपाट करता था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए भाई इसको इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, क्या होना चाहिए, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। हम मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है तो इम्पोर्टेंट है किसकी जाति क्या है, हम इम्पोर्टेंट है इसकी जाति क्या है। लेकिन जाति से पहले कुछ आपको याद करना पड़ेगा कि स्ट्रैबो और जस्टिन नाम का जो व्यक्ति है, स्ट्रैबो यूनान के हैं लोग, स्ट्रैबो और जस्टिन नाम का जो यूनानी है, इन लोगों ने अपनी किताबों में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस बताया है। क्या बताया है बेटा, सेंड्रोकोटस, याद रखेगा, सेंड्रोकोटस बताया है, ठीक है ना। किसने किसने, स्ट्रैबो और जस्टिन ने। इसी में बात किया जाए, एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहकर बुलाया है, एंड्रोकोटस, है ना। और इसी में अगर हम लोग बात करें फिलार्कस की, किसकी बात करें बेटा, फिलार्कस की, तो फिलार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, सेंड्रोकोटस, ठीक है ना, ये है सेंड्रोकोटस और ये है सेंड्रोकोटस, क्लियर है। तो देखिएगा, अगर कोटस आपसे पूछता है, अगर आपसे कोटस पूछता है तो आप बताएंगे फिलार्कस, सेंड्रोकोटस पूछता है तो स्ट्रैबो और जस्टिन, और अगर एंड्रोकोटस पूछता है तब आपको बताएंगे एरियन और प्लूटार्क। तो बहुत समय तक तो हमको पता ही नहीं चला कि सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। आगे चलकर सबसे पहले बताया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ये सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का नाम था सर विलियम जोन्स। ठीक है ना, तो सर विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले बताया था कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो इन्होंने, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि सेंड्रोकोटस ही क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है, वरना तो हम लोग को पता ही नहीं चलता, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की जाति की, अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के जाति की बात करें तो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन, जैसे पुराण हो गए, है ना, और भी चीज़ें हो गई, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना है, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं वो क्षत्रिय मानते हैं। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में इसको वृषल नाम दिया गया है। अब वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला, ठीक है ना, हाँ ना, देखते हैं भाई। तो अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए जाति की, तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथों में इसको शूद्र पुकारा गया है। अगर हम लोग जैन ग्रंथों की और बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ इस चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। अगर हम लोग रोमिला थापर की बात करें, तो रोमिला थापर इसको वैश्य मानती हैं। और अगर हम लोग विशाख दत्त की किताब मुद्रा राक्षस की बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, और वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला।
ठीक है। तो वृषल का मतलब होता है बेटा निम्न कुल में पैदा होने वाला, बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी बेटा, शुभम पटेल बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ठीक है ना। हम लोग जब भारत में शिक्षा का इतिहास पढ़ेंगे तब हम आपको और बताएंगे, ठीक है ना। इतनी में कोई समस्या बेटा नहीं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि कई बार पेपर में आ चुका है। किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला, ये स्टेटमेंट किसका है, यानी किस यूनानी लेखक का है। तो आपका आंसर होना चाहिए प्लूटार्क, है ना। तो यहाँ पर प्लूटार्क के बारे में आपको याद करना पड़ेगा कि प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला, पूरे भारत को रौंद डाला, ठीक है ना। और जस्टिन ने इस बात को सही माना है, जस्टिन ने इस बात को ऑथेंटिकेट किया है कि ये बात जो बिल्कुल बताई है प्लूटार्क ने वो बिल्कुल सही है। बात समझ आई बेटा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको पता है कि जब सिकंदर मर गया तो सिकंदर ने अपने जीते हुए क्षेत्र किसको दे दिए थे, सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजा बनकर बैठ गया था, तो सीरिया का। कहाँ का बेटा, सीरिया का, ठीक है ना। तो आपको अभी मैं चाहता हूँ, देखो मैं नॉर्मली अगर पढ़ाता हूँ तो मैं इतना ही बताता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा जाता है, इतना बता के आगे निकल जाते हैं, समझ में आ गया। लेकिन ये स्पेशल बैच है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये है किसने क्या क्या कहा था, तो हमसे कुछ छूट ना पाए इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है। और इतनी सारी किताबें भी हमने आपको बताई। तो ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से ये शूद्र है, रोमिला थापर के हिसाब से ये वैश्य है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के हिसाब से ये क्षत्रिय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है सीरिया का राजा कौन था उस समय, तो सीरिया का राजा उस समय था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो सीरिया का राजा उस समय कौन था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 BC में क्या हुआ युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कौन जीता, चंद्रगुप्त मौर्य जीता। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हो गया, सेल्यूकस की पुत्री से हो गया। अब पुत्री का नाम क्या है, हेलेना या चेलेना, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से अखिलेश यादव क्या है बताइए, आपका कमेंट आ तो रहा है और कैसे आएगा, अगर आपको अपना कमेंट दिख रहा है तो हमको भी दिख रहा होगा। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या चेलेना का विवाह किससे करवा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य से करवाने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज दिया। अब पहली बार भारतीय इतिहास में दहेज की बात होगी, और दहेज के रूप में इसने 4 देश दे दिए। कितने देश बेटा, 4 देश दे दिए। उन देशों के नाम हैं एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरी पनिसदाई। एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरी पनिसदाई, ठीक है ना बेटा। आगे एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया, पेरी पनिसदाई को वर्तमान में क्या क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए, है ना, इसको लाइन से लगाना है, मिलान करना है कि एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरिपनिसदाई को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान, ठीक है ना। आधे ज्यादा इसमें अफगान के क्षेत्र जुड़े हुए हैं, बलूचिस्तान बस पाकिस्तान में पड़ जाता है। तो दहेज के रूप में 4 देश दे दिए।
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये दहेज लेने से मना कर दिया कि मैं दहेज नहीं लूंगा। फिर भी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये दहेज के रूप में दे दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना लिखवा दे हमारे इतिहास में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी जितनी कीमत थी उतनी कीमत के इसने अपने 500 हाथी इसको दे दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बदले में 500 हाथी सबसे शक्तिशाली गिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। तो इसको लगा यार दामाद तो अच्छा मिल गया है हमको, ठीक है। तो सेल्यूकस ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य से कि आपको क्या चाहिए आप बताइए, मैं आपको दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा अगर आपको देना है तो हमें आप क्या दीजिए, हमें आप एक दार्शनिक दीजिए। क्या दीजिए बेटा, दार्शनिक दीजिए, ठीक है ना। तो जब दार्शनिक की बात आई, ठीक है, तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक दार्शनिक दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक दार्शनिक दिया जिसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था बेटा, मेगस्थनीज, ठीक है। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को बुलाया था अपने यहाँ घूमने के लिए, और जैसे मेगस्थनीज के यहाँ घूमने आया इसको पकड़कर दहेज में दे दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। गुस्सा आ गया और इसने अपनी किताब लिखी इंडिका, और इंडिका में बहुत गलत शब्द लिख दिया। इसने लिख दिया इंडिका में क्या कि भारत भारतीय अनपढ़ थे, भारतीयों को लिखना नहीं आता था, याद रखेगा। तो भारतीयों को लिखना नहीं आता था ये सबसे पहले बात किसने कहा है, फांस लगाएंगे, मेगस्थनीज ने कहा है, है ना। तो आपसे पूछता है कि बताइए सबसे पहले कौन विदेशी यात्री आया था, तो सबसे पहला विदेशी यात्री मेगस्थनीज को मानते हैं। किताब क्या थी, इंडिका थी, है ना। और उसने अपनी इंडिका में क्या लिखा कि भारतीयों को लिखना नहीं आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सिविल का क्वेश्चन, आईएएस का क्वेश्चन है क्या, हाँ ठीक है। तो आइए से क्वेश्चन है कि बताइए इस युद्ध को, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ठीक है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए कि इस युद्ध के बारे में सबसे पहले एप्पियानस ने बताया था, याद रखिएगा, एप्पियानस, ठीक है बेटा। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, बदले में दहेज भी लिया, 500 हाथी बदले में दे दिए, फिर मेगस्थनीज को भेजा, उसने इंडिका में ये लिख दिया, ये सारी चीजों का वर्णन कौन सा यूनानी इतिहासकार या यूनानी लेखक करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एप्पियानस करता है। कौन करता है बेटा, एप्पियानस करता है। कुलदीप चक्रवर्ती के 40 में से लगभग 30 नंबर आ रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत है यार इतना, 40 में से अगर 30 नंबर के आसपास आ रहे हैं, 29.5 के आसपास, ठीक है। आपकी जीएस तो बहुत ही स्ट्रांग हो गई, यानी कि तो आप हमें रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि ठीक है। चलिए अच्छा अगली बात करते हैं, बेस्ट ऑफ लक कुलदीप। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक फैला हुआ था। तो पेपर में आता है अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति कौन, तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो गया बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य। रफ करते हैं तो यहाँ देखते हैं भाई, साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो पूर्व में बंगाल से लेकर, है ना, उत्तर में कश्मीर से लेकर, है ना, इधर से ईरान से लेकर इधर उत्तरी कर्नाटक मतलब कि मैसूर तक फैला हुआ था, और मैसूर का सिर टीपू सुल्तान है, ठीक है ना। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, बस समझ आ रही है। तो आपको पता चल गया क्या कि इसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था, तो उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर उत्तर में कश्मीर से पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। तो पेपर में आएगा अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की सर्वप्रथम किसने करी, तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करी, याद रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक ऑल इंडिया, ठीक है ना, अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आंसर लगाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य था। बात समझ आई बेटा,
ठीक है। चलिए अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन आपसे इसी में पूछा जाएगा कि बताइए चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत जीता था, चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत जीता था, इस बात का पता हमें किससे चलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय हासिल करी थी, इस बात का पता हमें किससे चलता है। तो हमारे पास दो तमिल ग्रंथ हैं, हमारे पास दो तमिल ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को भी जीता था। उनके नाम है अहना नूर और मुरना नूर। क्या है? अहना नूर और मुरना नूर, ठीक है ना। तो तमिल ग्रंथ अहना नूर और मुरना नूर से चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में पता चलता है। इतने में कोई समस्या बेटा, इतने कोई दिक्कत नहीं। अगली बात बताते हैं क्या कि रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें कुछ पता चला। ये जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये जूनागढ़ कहाँ पड़ता है बेटा? गुजरात में। तो रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त को भेजा और पुष्यगुप्त गया और उसने जाकर जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण बेटा? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर को भेजा जिसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त ने जूनागढ़ में क्या किया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है? तो आंसर लगाना है आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में ना हो तो थोड़ा सा और डीपली चलेंगे पुष्यगुप्त ने, और पुष्यगुप्त भी आंसर में ना हो तो आंसर लगा देंगे रुद्रादमन ने, ठीक है ना। और रुद्रादमन के कौन सा अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से। आपसे पूछेगा जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादमन का है। ठीक है बेटा, पक्का? हाँ। और अपने अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए वो छोड़ के चला गया है ना गद्दी, कहाँ पर चला गया? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो उस समय जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु। कौन थे बेटा? जैन धर्म गुरु थे भद्रबाहु। और भद्रबाहु के कहने पर ये अपना साम्राज्य छोड़कर अपने बेटों के हाथ में देकर चला गया श्रवण बेलगोला कर्नाटक चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर, और वहीं पर इसने बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण त्याग दिए। और जैन धर्म में बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण त्याग देना कहलाता है संलेखना या संथारा। क्या कहलाता है बेटा? संलेखना या संथारा कहलाता है। इतनी कोई समस्या? हाँ। अगर आज कहते हैं सुदर्शन झील का पता हमें किस अभिलेख से चलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से हमको सुदर्शन झील का पता चलता है। इतने कोई दिक्कत बेटा, बताओ? तो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो हमने यहां पर आपको क्या बताया? 12 वर्ष का अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल पड़ा, तो ये जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर चला गया। बताया था ने जैन धर्म में पहाड़ी चंद्रगिरी आरवुगिरी उर्जन्यगिरी शत्रुंजयगिरी चला गया, और वहीं पर उपवास, उपवास को जैन धर्म में कहते हैं संलेखना या संथारा के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या हो गया बेटा आपको? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अच्छा। अभी कुछ समय पहले हम आपको, अभी कुछ समय के बाद हम आपको बताएंगे पूरा सुदर्शन झील के बारे में, ठीक है ना। हम आपको पूरी सुदर्शन झील के बारे में बताएंगे, किसने बनवाया, किसने कितनी बार बनवाया, किसका किसका इसमें हाथ था। अभी हम आपको पूरी बारे बातें बताएंगे सुदर्शन झील के बारे में, ठीक है ना। और अगर नहीं मानते चलो हम आपको पूरी बात बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए सुन लीजिए, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील है सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र में। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त को भेजा और पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जिस बात का पता हमको रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर अशोक गया, अशोक ने अपने गवर्नर तुशास्क को भेजा और तुशास्क ने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। फिर रुद्रादमन गया और रुद्रादमन ने अपने गवर्नर सुविशाख को भेजा और सुविशाख गया और उसने वहां पर क्या किया,
हाँ, रुद्रदमन ने अपने सुविशाख को भेजा और सुविशाख ने उस झील की मरम्मत करवाई, बनवाया नहीं, क्या करवाई, मरम्मत करवाई। फिर आगे चलकर जब गुप्त वंश पढ़ाएंगे तो गुप्त वंश में स्कंद गुप्त था, स्कंद गुप्त ने अपने गवर्नर पर्णदत्त को भेजा, पर्णदत्त नहीं गया, पर्णदत्त की तबीयत खराब हो गई, तो पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को भेज दिया, तो चक्रपालित वहां पर गया सुदर्शन झील को बनवाने के लिए, फिर से उसकी मरम्मत करवाने के लिए, वहीं पर उसने विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कर दी, है ना, और विष्णु ध्वज लगवा दिया, विष्णु जी का एक झंडा लगा दिया। तो ये पूरी कहानी थी सुदर्शन झील की। तो किसने हमसे पूछा था, हाँ वैभव यादव ने हमसे कहा था सुदर्शन लेक को पूरा किसने करवाया था, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे हमसे, तो हमने आपको सुदर्शन झील पूरा बता दिया। ठीक है, चलो हम लिख भी देते हैं यार, लिख भी देते हैं सुदर्शन झील के बारे में, क्या आगे पीछे रखेंगे, तो सुदर्शन झील के बारे में बता देते हैं। ठीक है, कहीं ये ना सोच जाओ कि हमने पूछा तो सर ने बताया नहीं सुदर्शन झील के बारे में। अरे बेटा तुम पूछो तो हम सब बताएंगे आपको यार। चलो सुदर्शन झील टॉपिक हो गया। सुदर्शन झील कहां पर है, गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, यहां लिखेंगे शासक, यहां लिखेंगे गवर्नर और यहां लिखेंगे कार्य। ठीक, तो शासक में क्या है, शासक में चंद्रगुप्त मौर्य, गवर्नर में है पुष्यगुप्त और कार में है निर्माण। ठीक है, अब आएगा अशोक, तुशाश्क, पुनर्निर्माण, फिर आएगा रुद्रादमन, सुविशाख, मरम्मत, फिर आएगा स्कंदगुप्त, पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित, ये गया था गवर्नर था स्कंदगुप्त का पर्णदत्त, इसका पुत्र गया था चक्रपालित। इसने क्या किया, विष्णु ध्वज लगवा दिया। ठीक है ना, विष्णु जी का क्या लगवा दिया, ध्वज लगवा दिया। बात समझ आई बेटा, कोई समस्या, डन है, क्लियर है, हाँ पढ़ा देंगे बेटा, पढ़ा देंगे संगम काल पढ़ा देंगे। ठीक है ना, आप परेशान मत हो, आप कहोगे हम पढ़ा देंगे राजा चौहान, हम पढ़ा देंगे संगम काल। ठीक है ना, चलिए तो आपको ये समझ में आ गया, आपको सुदर्शन झील समझ में आ गई, पूरी सुदर्शन झील का इतिहास बता दिया हमने यहाँ पर आपको, है ना, कि सुदर्शन झील में कुल कितने राजाओं का हाथ लगा है, तो सुदर्शन झील में है ना टोटल 4 राजाओं का हाथ लगा है, एक बार निर्माण, फिर पुनर्निर्माण, फिर मरम्मत और विष्णु जी का ध्वज या विष्णु जी की मूर्ति। ठीक है, क्लियर है बेटा, हाँ। तो ये हमने आपको पढ़ा दिया क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। हम हाँ लोग आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे में जिसका नाम है बिंदुसार, बिंदुसार को हम लोग अमित्रोघात, अमित्रोचेटस, अलिट्रोकेडस, भद्रसार और सिंहसेन के नाम से जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसने क्या क्या कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसने क्या क्या कहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, किसने क्या क्या कहा है, देखते हैं भाई। हाँ, मित्रोघात का मतलब होता है दुश्मनों को मारने वाला, मित्र मतलब होता है दोस्त और अमित्र मतलब होता है दुश्मन। मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त, और अमित्र मतलब क्या होता है, दुश्मन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं बिंदुसार में, तो बिंदुसार को हम लोग अमित्रोघात, अमित्रोचेडस, अलिट्रोकेडस, ठीक है, वायु पुराण में इसको भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन के नाम से जाना जाता है, जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। अगला, बिंदुसार के कुल 101 पुत्र थे, बिंदुसार के कुल 101 पुत्र थे। बिंदुसार के दरबारी देखते हैं
तो बिंदुसार दरबार में एक आजीवक संप्रदाय का व्यक्ति रहता था, आजीवक संप्रदाय जो हाँ भाग्य पर सब कुछ मानते हैं है ना, मक्खलीपुत गोसाल वाला, और एक बौद्ध भिक्षु रहता था। तो आजीवक धर्म का जो भिक्षु रहता था उसका नाम था पिंगलवत्स, पिंगलवत्स, और जो बौद्ध भिक्षु रहता था उसका नाम था तारानाथ। अभी कहानी सुनाएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो बिंदुसार के दरबार में एक आजीवक धर्म का भिक्षु रहता था, हाँ आजीवक धर्म का भिक्षु रहता था और बौद्ध धर्म का भिक्षु रहता था, इसका नाम था क्या, तारानाथ। इतने में कोई समस्या नहीं। तो आपने देखा कि सीरिया का राजा पहले कौन था, पहले सीरिया का राजा था कौन, सेल्यूकस निकेटर, ये था ना। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। तो सेल्यूकस निकेटर के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था एंटियोकस, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, एंटियोकस को बिंदुसार ने हरा दिया, ठीक है ना। एंटियोकस को बिंदुसार ने हरा दिया और बिंदुसार ने एंटियोकस से कुछ मांगा, क्या मांगा, तीन चीजें मांगी कि हमको सूखे अंजीर दे दो, दूसरा मीठी मदिरा दे दो और तीसरा दार्शनिक दे दो, ठीक है। तो इसने कहा एंटियोकस ने कि दार्शनिक देना हमारे यहां पर पाप माना जाता है तो हम दार्शनिक नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इसने दार्शनिक देने से मना कर दिया, अंजीर दे दिया, मीठी मदरा दे दी, दार्शनिक देने से मना कर दिया। इसके बाद एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक यात्री भेजा, जिस प्रकार से मेगास्थनीज को भेजा गया था उसी प्रकार से एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा, डाइमेकस को भेजा। किसको भेजा, डाइमेकस को भेजा। देखो बेटा मेगास्थनीज भी यूनानी था, मेगास्थनीज क्या था, यूनानी था, ये सारे यूनानी तो हैं, मेगास्थनीज भी यूनानी था और डाइमेकस भी यूनानी था, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे ये आया और दूसरे नंबर पे ये आया, तो पहले ये आया है दूसरे नंबर पे ये आया है। तो पेपर में आता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी हम किसे मानते हैं, तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी हम लोग इस डाइमेकस को मानते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको हम लोग मेगास्थनीज का क्या मानते हैं बेटा, उत्तराधिकारी मानते हैं, सक्सेसर, ठीक है। तो याद रहना चाहिए आपको कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी हम किसे मानते हैं, तो डाइमेकस को मानते हैं, डन क्लियर, इतने में कोई समस्या नहीं। अच्छा अगली बात, बिंदुसार पूरे भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में एकमात्र राजा है जिसके सीरिया से भी अच्छे संबंध थे और मिस्र से भी अच्छे संबंध थे, याद रखिएगा। तो पेपर में कई बार आया है सीरिया और मिस्र दोनों से अच्छे संबंध किसके थे, तो सीरिया और मिस्र दोनों से अच्छे संबंध थे बिंदुसार के, ठीक है ना। अब मिस्र का राजा कौन था, तो मिस्र का राजा था टॉलमी सेकेंड, मिस्र का राजा था टॉलमी सेकेंड, और टॉलमी सेकेंड ने बिंदुसार के यहाँ है ना किसको भेजा था, तो टॉलमी सेकेंड ने बिंदुसार के यहाँ भेजा था डायनोसियस को, किसको भेजा था बेटा, डायनोसियस को, डायनोसियस को, क्लियर है, डायनोसियस को। अब यहाँ फंस गया मैटर, क्या आपको कैसे याद होगा, ये ऐसे याद कर लो कि भैया सीरिया और मिस्र से अच्छे संबंध थे बिंदुसार के, ठीक है ना। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस को हराया था तो संबंध अच्छे होने चाहिए थे, बिल्कुल सही है। बिंदुसार ने एंटियोकस को हराया और उससे तीन चीजें मांगी जिनमें दो चीजें मिली एक चीजें नहीं मिली। तो एंटियोकस ने बिंदुसार के यहाँ किसको भेजा था, डायमेकस को, और मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड ने किसको भेजा था बिंदुसार के यहाँ, डायनोसियस को भेजा था, ठीक है। बिंदुसार के कुल कितने पुत्र थे, 101 पुत्र थे। आजीवक धर्म का व्यक्ति कौन था, पिंगलवत्स था। बौद्ध धर्म का अधिकारी कौन रहता था इसके यहाँ, तारानाथ रहता था। अगर आपसे कह दिया जाए कि बौद्ध की बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो आजीवक धर्म अपनाया था, ठीक है ना। तो बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो आजीवक धर्म अपनाया था, क्यों, क्योंकि पिंगलवत्स उस समय जादूगर था, मतलब बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। पिंगलवत्स उस समय क्या था, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, है ना। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, बिंदुसार की माता का नाम क्या था बेटा, दुर्धरा था, याद रखिएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी होगी, ठीक है ना। तो बिंदुसार की माता का नाम क्या था बेटा, दुर्धरा था, ठीक है, क्या नाम था भैया, दुर्धरा नाम था। अच्छा अब यहां से थोड़ी सी कहानी शुरू होती है, कि 101 पुत्र है, पुत्र 101 हैं, तो गद्दी पर कौन बैठेगा, ये समस्या फंस गई कि 101 पुत्र में अब एक पुत्र को गद्दी पर बिठाना है, तो बिंदुसार जिसको सबसे अच्छा मानता था उस पुत्र का नाम था सुसीम, क्या नाम था बेटा, सुसीम,
ठीक है। तो सुसीम जो था उसको बहुत अच्छा मानता था, तो गद्दी पर उसी को बैठाना चाहता था। 101 पुत्र थे, कितने पुत्र थे बेटा, 101 पुत्र थे। अब इन 101 पुत्रों में क्या होने वाला है, जरा इसको देखते हैं भाई, रफ करें इसको। हाँ देखो भैया, 101 पुत्र हैं, जिनमें से वो सबसे अच्छा किसको मानता है, सबसे अच्छा किसको मानता है, अपने बड़े बेटे सुसीम को, और गद्दी पर भी इसी को बिठाना चाहता है। तो उसने पिंगल वत्स से पूछा, ठीक है ना, तो उसने पिंगल वत्स से पूछा कि बताइए आपकी गद्दी पर हम किसको बिठाएं, हम गद्दी पर किसको बिठाएं और किसको ना बिठाएं, ठीक है। तो ये जब बात उठी तो पिंगल वत्स ने कहा कि तुम्हारे पास कितने पुत्र हैं, कहा 100 पुत्र हैं, कहा तुम तो बता रहे थे 101 पुत्र हैं, कहा नहीं। अब वो एक पुत्र को क्यों नहीं मानता, समझिएगा कि एक पुत्र जो पैदा हुआ था वो बहुत ही कुरूप था, बहुत बेकार लगता था, उसकी मछली जैसी सड़ी हुई त्वचा थी, उसको देखकर बिंदुसार थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता था देखने में। तो उसने कहा इतना बदसूरत पुत्र मेरा नहीं हो सकता है ना, और वो उस बेटे को छोड़कर चला आया था, ठीक है। तो कहा मेरे पास 100 पुत्र है, कहा ठीक है 100 पुत्रों को बुलाओ है ना, और हम बताएंगे भविष्यवाणी करके गद्दी पर कौन बैठेगा। तो भैया 100 पुत्रों को बुलाने लगे, तो पुत्रों को बुलाया जाने लगा, उनसे बताया जाने लगा कि देखो तुम सबके बीच तीर तलवारबाजी होगी, घुड़सवारी होगी है ना, हाथी दौड़ सैनिक होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। तो जो व्यक्ति जीतेगा है ना, वही व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा, ये पिंगल वत्स ने घोषणा करवा दी। तो 100 पुत्र आए भैया है ना, अब जब 100 पुत्र आए तो 101वां जो पुत्र था, जो कुरूप था, उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम भी जाओ, तुम्हारे पापा अच्छे हैं, ठीक है ना, और तुम भी हिस्सा लो जाके उस सैनिक अभियान में, और शायद तुम भी राजा बन जाओ। कहा मेरे पापा तो हमको बेटा मानते ही नहीं है। कहा तो क्या हुआ, फिर भी तुम उसके बेटे हो, जाओ। वो नकार नहीं सकते कि तुम उनके पुत्र नहीं हो, जाओ बेटा। हाँ वो जाने लगा, जब जा रहा था तो बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था राधागुप्त। और राधागुप्त किसकी जगह गद्दी पर बैठा था, चाणक्य। जब चाणक्य मर गया था तो गद्दी पर कौन बैठा था, राधागुप्त, क्लियर है। राधागुप्त हाथी पर बैठकर आ रहा था तो उसने देखा उस सूरत से बच्चे को, उसने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो, कहा हम भी वहीं जा रहे हैं है ना, युद्ध तैयारी करने के लिए, शायद राजा की गद्दी की घोषणा होने वाली है, तो मैं भी तो बिंदुसार का पुत्र हुआ है ना, तो मैं भी अपने पापा का पुत्र हूँ तो मैं भी चलूंगा। कहा ठीक है। तो राधागुप्त ने उसको हाथी पर बिठा लिया, उस बच्चे को, सबकी एंट्री पैदल पैदल हुई और उस बच्चे की एंट्री हाथी पर हुई। पिंगल वत्स ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सबने देखा, कहा रे यार ये भी आ गया। अब जब तीर तलवारबाजी ये सब होना शुरू हुई तो बस दो लोग आगे आए है ना, एक वो जो बदसूरत वाला बच्चा था वो है ना, और एक सुसीम। फिर जब लंच हुआ तो उस लंच में सभी लोग, जितने बेटे थे, वो सब राजमहल में चले गए और सोने चांदी की प्लेटों में खाना खा रहे थे। लेकिन जो बदसूरत वाला बच्चा था है ना, वो जमीन पर बैठकर सैनिकों से खाना पूछ रहा था कि आपने खाना खाया, आपने खाना खाया। तो सभी लोग समझ गए थे कि अगला राजा कौन बनेगा, यही बदसूरत वाला बच्चा बनेगा। पिंगल वत्स ने भी समझ गया, पिंगल वत्स ने भविष्यवाणी कर दी है ना। अगर पिंगल वत्स बता देता बिंदुसार को कि बेटा ये जो बदसूरत वाला बच्चा है, यानी जो कुरूप बच्चा है ना, ये गद्दी पर बैठेगा, तो बिंदुसार को हार्ट अटैक आ जाता। तो पिंगल वत्स ने बिंदुसार को कुछ नहीं बताया है ना, लेकिन बाकी भविष्यवाणी उसने सबसे कर दी थी कि यही बच्चा गद्दी पर बैठेगा, नहीं इसको नहीं पता था। फिर धीमे धीमे लोगों से सुनना शुरू कर दिया और इसके चर्चे थोड़े से विख्यात होने लगे और इसके लिए कुख्यात होने लगे। इतने में ही तक्षशिला में विद्रोह छिड़ गया। जैसे तक्षशिला में विद्रोह छिड़ गया तो वैसे बिंदुसार ने उस कुरूप वाले बच्चे से कहा कि जाओ और इस विद्रोह को शांत करो जाके। कहा ठीक है पापा चले जाएंगे हम, तभी देखे कि तुम राजा बनने लायक हो कि नहीं हो। हाँ, उस कुरूप वाले बच्चे को, बदसूरत बच्चे को सेना तो दी लेकिन हथियार नहीं दिए। क्रूप बच्चा या बदसूरत बच्चा समझ गया कि पापा हमको मारना ही चाहते हैं, फिर भी उसने डंका बजवाया तक्षशिला में कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो उसके मैं कम से कम 50 टुकड़े करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका एक विख्यात स्टेटमेंट था, जब वो बदसूरत था तो किसी ने उसको बदसूरत कह दिया था, तो उसको ले गया जंगल में, उसके छोटे 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 करके 50 टुकड़े काट के फेंके थे।
बात समझ आ रही है? उस कुरूप बच्चे ने, वो बहुत गुस्सैल हो गया था, लोगों ने उसको बदसूरत बदसूरत कह कह के वो इतना गुस्सैल हो गया था कि बात बात पे तलवार से किसी चीज को काट देता था, ठीक है। और इसके चर्चे हर जगह फेमस थे। तो उस बदसूरत वाले बच्चे ने तत्शिला में डंगाड़ा बजाया कि जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति हमारे सामने पड़ गया तो उसके मैं 50 टुकड़े से कम नहीं करूंगा। हर कोई व्यक्ति, जैसे मान चलो कोई व्यक्ति एक बार तुमसे मिले कहते कि बहुत मारेंगे, तो मैं उसको मजाक ले जाओगे, कहा ऐसे कैसे मारोगे, बहुत मित्र में मारेंगे, वो तुम्हें दोबारा मिल जाए कहा फिर तुम दिख गए, हम बहुत मारेंगे, है ना। और वो तुमसे रोज रोज कहे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे एक बिल्कुल डर बैठ जाएगा कि यार ये मार ही ना दे, है कि नहीं। तो उसी हिसाब से जब पहली बार नगाड़ा बजा के बताया गया, जब पहली बार नगाड़ा बजा के बताया गया तो सब लोग हंस रहे थे। फिर अब रोज बताने जाने लगा, रोज बताने जाने लगे, ठीक है ना। जब रोज बताया जाने लगा तो भैया थोड़ा सा तक्षशिला के लोग डरे और कहा अरे तुम लोगों को मारने के लिए, तुम लोगों को मारने के लिए तो हमारे पास हथियार भी नहीं लाएंगे हम, और जिसको हमने पकड़ लिया उसके टुकड़े तय हैं। तो तक्षशिला के लोगों ने कहा अच्छा ये हथियार भी नहीं लाएगा, इतना बड़ा मतलब इतना फेंक रहा है कि हथियार नहीं लाएगा हमें, मान लो हम लोग से युद्ध करने के लिए। और भैया जब अशोक ने एंट्री मारी तो हथियार नहीं थे। ये देखते ही तक्षशिला के लोगों की आंखें फट गई, खैर ये तो सही बोल रहा था, इसे लड़ो नहीं, ये पागल है ना। हत्तशिला के लोगों ने बिना युद्ध करे ही उस कुरूप बच्चे के आगे तलवार डाल दी और बिंदुसार को गुस्सा आ गया ये देखकर। बिंदुसार ने उसे कहा भाग जाओ यहां से और जाओ उज्जैन के राजा बन जाओ। जो कुरूप वाला बच्चा था है ना, उसने इस विद्रोह को दबाया, उसने इस विद्रोह को दबाया और चला गया, उज्जैन का राजा बन गया, वापस वो पाटलिपुत्र या पटना नहीं गया। और जैसे तक्षशिला के लोगों को पता चल गया कि वो उज्जैन चला गया है, तक्षशिला के लोगों ने फिर विद्रोह कर दिया, समझ गए, फिर विद्रोह कर दिया। तो अब क्या हो गया कि दूसरा विद्रोह हो गया। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने अच्छे बेटे सुसीम को भेजा, और जैसे सुसीम गया हथियार त्यार लेकर विद्रोह में, है ना, तक्षशिला के लोगों ने सुसीम को पकड़ लिया और भैया बहुत मारा, डंका बजा दिया। अब इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, यह सुनकर पापा डर गए कि मेरा बेटा मारा ना जाए कहीं। उसने तुरंत ही इस कुरूप वाले बच्चे को आदेश दिया कि इसको बुलाओ, इसको यहां भेजो और इसको यहां बुलाओ और मैं इसको राजा बनाऊं। इसकी तबीयत भी खराब हो गई। तो राधा गुप्त ने क्या किया, राधा गुप्त ने षड्यंत्र रचा, राधा गुप्त ने इस कुरूप वाले बच्चे को बुला लिया पापा के पास और इसको नहीं बुलाया। बिंदुसार लेटा हुआ था, ये कुरूप वाला बच्चा गया, अपने पापा के पैर छू लिया, है ना, कि पापा सो रहे थे, उन्होंने सोचा कि बताओ मेरे पापा कितने अच्छे हैं, पिताजी कितने अच्छे से पकड़ लिया, कहा पिताजी हम आपको इतना गलत समझ रहे थे लेकिन बताइए आप हमको राजा बना रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। और जैसे बिंदुसार उठा उसने देखा रहे तो कुरूप वाला बच्चा कहाँ से आ गया, उन्होंने तुरंत ही उसको चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ से किया हो, है ना, मेरा दिन खराब कर दिया तुमने, देख कर ये है वो है करके भगाना शुरू कर दिया। इतने में आ गए उस कुरूप वाले बच्चे गुस्सा, उसने कुछ नहीं बोला, राधा गुप्त को चिल्लाया उसने, बिंदुसार ने राधा गुप्त को चिल्लाया, राधा गुप्त ने कहा देखिए सुसीम युद्ध में फंसे हुए हैं, इसका आना, ये जल्दी आ गए थे और ये देर में आ पाते, इतने में आपको कुछ हो जाता तो राजा कौन बनता, तो आप अभी इस कुरूप वाले बच्चे को राजा बना दीजिए और जब ये सुसीम आ जाएंगे तो हम इनको राजा बना देंगे। कहा नहीं, उसी को बुला के लाओ। इतने कुरूप वाले बच्चे को आ गया गुस्सा, उसने ऐसे पकड़ा अपने पापा को, अपनी गर्दन ऐसे ऐसे उठाया, उठाकर उनका मुकुट रखा हुआ था, मुकुट ऐसे छीन कर पहन लिया, और ये देखते ही पिताजी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, बिंदुसार मर गया, ठीक है ना। और जैसे बिंदुसार मरा वो कुरूप वाला बच्चा गद्दी पर बैठा, उसने 269 BC में अपना राज्याभिषेक करवाया राधा गुप्त की सहायता से। 99 भाइयों की हत्या कर दी उस बच्चे ने, 99 भाइयों की, और अपना नाम बताया मैं हूं सम्राट देव नाम प्रिय दस्सी प्रिय दर्शनी उज्जैन करमोली चंड अशोका अशोक वर्धना अशोक, और प्यार से आप हमको सम्राट अशोक के नाम से बुला सकते हो। गद्दी पर बैठते ही उसने 98 भाइयों को मार दिया, एक भाई भाग गया, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और एक जो सुसीम है उसको पापा की मृत्यु का पता चला, और जैसे पता चला सुसीम को, सुसीम आया तो राधा गुप्त ने कहा परेशान मत हो, हम सुसीम का काम निपटा देंगे। अब इसने क्या किया समझिएगा, राधा गुप्त ने, राधा गुप्त, अब दो दरवाजे हैं, एक पूरब का एक पश्चिम का। राधा गुप्त ने कहा मैं पूरब में खड़ा होता हूं, तुम पश्चिम में खड़े हो जाओ, तो यहां पर अशोक को खड़ा कर दिया गया और यहां पर राधा गुप्त खड़ा हो गया।
ये यहां पर दरवाजा, दरवाजे के कुछ दूर की दूरी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया गया जहां पर अशोक खड़ा हुआ था, गड्ढा खुदवा दिया गया। इसमें बहुत सारे कोयले जलवा दिए गए, कोयले, ठीक है ना, बहुत सारा कोयला लकड़ी सब जलवा दी गई। इसके बाद गड्ढा खुदवा दिया गया, अब इसको एक आर्टिफिशियल जमीन से हल्की हल्की परत से मिट्टी चढ़ा दी गई ऊपर, हल्की हल्की परत बनाकर, है ना, घास फूस डाल के ऐसे बल्ली लगा के ऐसे चढ़ा दी गई, ठीक है। अब जैसे ही अब राधा गुप्त ने कहा कि तुम यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ पर यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा हैं सुसीम के। सुसीम यहाँ से आ गया, राधा गुप्त ने कहा सुसीम से, सुसीम ने कहा मरने के लिए तैयार हो जाओ राधा गुप्त। राधा गुप्त ने कहा हमको मार के क्या करोगे, अगर औकात है तो अशोक को मारो जाके। तो इसने इसको भड़का दिया, सुसीम यहां से भागा और इधर आ गया। अब यहां पर आके सुसीम खड़ा हो गया, अशोक यहां पे खड़ा हो गया इधर साइड अपने छत पे। तो इसने कहा, सुसीम ने क्या कहा कि अभी मैं आता हूँ और तुम्हारे साम्राज्य को छीन लूंगा, ये है वो है। तो अशोक ने कहा तुम वहीं रुको, मैं आऊँगा और तुम्हारी पूरी सेना को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। तो सुसीम ने कहा कि तुम रुको, मैं दरबार के अंदर आकर तुम्हें काट के फेंक कर गद्दी पर बैठूंगा। और जैसे ही ये इधर से दौड़ा, ये इधर से दौड़ा, इसको पता नहीं आधे गड्ढा है, ये तेजी से दौड़ा तो सदा से आधी सेना के साथ ये पूरा गड्ढे में घुस गया और नीचे पहुंच गया। उसने ऐसे जलती मसाल ली अशोक ने और उस गड्ढे में जलते कोयले में डाल दिया। सुसीम और उसकी सेना आधी ज्यादा मर गई और आधी सेना ने इसके आगे समर्पण कर दिया, 99 भाइयों की हत्या कर दी। इसलिए चंड अशोक इसे कहते हैं, क्रूर अशोक। इसने ये बसूरत था तो जितने भी राज इसने हड़पे थे उनकी महिलाओं को बंदी बना लिया, और महिलाएं जब इसकी सेवा करने आती थी तो उनको घिन आती थी ऐसे उसकी त्वचा देखकर। तो अशोक ने पूछा तुम्हें क्या हो गया है, कहा कि आपकी इतनी रूखी त्वचा है ना, हमें घिन जैसी आती है, हमें उल्टी उल्टी आती है। अशोक ने मुस्कुराया और कहा दंडनायक जितनी महिलाएं हैं उन सबको बुलाओ। सबको बुलाया गया, उनसे पूछा क्या मैं बदसूरत हूँ, सही से बताना, सही से बताना, सही से बताना। तो महिलाओं ने कहा हाँ है। इतने में सारी महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, चंड अशोक कहते हैं इसलिए इसको, समझ आ गया। 269 BC में राजा गुप्त की सहायता से 99 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा। इस बात का पता हमको श्रीलंका के ग्रंथ महावंश से पता चलता है, महावंश से हमको इस बात का पता चलता है, ठीक है ना। वो तो धीमे धीमे आगे चल चलकर वो सही होगा, अभी तक तो बिल्कुल सही नहीं है बेटा। बात समझ आई बेटा, कोई दिक्कत है नहीं? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ जा, ठीक है ना। चलिए तो याद रखना है आपको कि तक्षशिला का पहला विद्रोह अशोक ने दबाया था और दूसरा विद्रोह सुसीम ने दबाया था। अशोक में आते हैं, पहले पूरा नाम लिख लेते हैं, सम्राट देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी, उज्जैन करमोली, ठीक है, चंड अशोका, अशोक वर्धना, अशोक, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा नाम हो गया। अजीम कहा जाए कि अशोक को अशोक वर्धन किसमें कहते हैं, तो पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। और अशोक का नाम सिर्फ अशोक तीन जगह से प्राप्त होता है, एक है मास्की अभिलेख, एक है गुर्जरा अभिलेख और एक है नत्तूर अभिलेख। तो अशोक का नाम अशोक सिर्फ तीन अभिलेखों से प्राप्त होता है, मास्की, गुर्जरा और नत्तूर। हम मास्की जो अभिलेख है ये कर्नाटक में पड़ता है, गुर्जरा अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और नत्तूर जो अभिलेख है वो
आंध्र प्रदेश में पड़ता है, फिर वहां पर जो चट्टाने पाई गई हैं वहीं पर अशोक का नाम सिर्फ अशोक पता चला है, बाकी हर जगह अशोक का नाम, देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं को आकर्षित करने वाला, प्रिय दर्शनी है ना, बहुत खूबसूरत। उज्जैन करमौली, उज्जैन का राजा चंड अशोक आप जानते ही, अशोक वर्धना इसको पुराण में कहा गया है, और अशोक मासकी गुर्जरा और नत्तूर में कहा गया है। इतने में कोई दिक्कत बेटा बताइए, इतने में कोई दिक्कत है नहीं। अशोक के अगर कहा जाए, अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, तो इसकी प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमको है ना दिव्य वदान से प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे अशोक के जीवन की, अशोक की जीवन की प्रारंभिक जानकारी, प्रारंभिक जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है, तो दिव्या वदान से प्राप्त होती है। किससे बेटा, दिव्या वदान से प्राप्त होती है, और महावंश से पता चलता है, श्रीलंका के ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ महावंश से पता चलता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की और राधा गुप्त की सहायता से 269 BC में गद्दी प्राप्त की, 269 BC में गद्दी प्राप्त की। ठीक है ना, ये बात बेटा डन है। अच्छा बताते एक और बात, एक दिन क्या हुआ, अशोक अपने गद्दी पर बैठा हुआ था, उसने सोचा लाओ बालकनी में खड़ा हो जाए, जाके गया और जाकर बालकनी में खड़ा हो गया, तो एक बौद्ध धर्म का भिखारी उसके पास से निकला, तो उसने कहा ए धरा, वो आया, कौन हो तुम, दरबार के अंदर ले आएगा, कौन हो तुम, कहा मैं बौद्ध बिच्छू हूँ, कहा अरे पूरा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहा मैं बौद्ध बिच्छू निग्रोथ हूँ, क्या मैं बौद्ध बिच्छू निग्रोथ हूँ, कहा नहीं अपना पूरी डिटेल दो जरा सा, तुम बौद्ध धर्म कैसे अपनाया, तुमने क्यों भिखारी बन गए, तो उसने बताया मैं सुसीम का पुत्र निग्रोथ हूँ और आपका भतीजा, बात समझ आई। तो अशोक ने सोचा अच्छा ये कैसे बच गया, तो निग्रोथ को कहा अशोक ने कि तुम बच गए यार, अब तुम्हें मरना पड़ेगा, तो निग्रोथ ने कहा जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, सब कुछ कर्म के हिसाब से चलता है, अच्छे कर्म करेंगे तो उसके हिसाब से मेरा अगला जन्म होगा, मृत्यु में क्या है, तुम्हारे पास तलवार है तुम ऐसे करके मार दो हम मर जाएंगे, हमको तलवार दे दो हम ऐसे कर देंगे तुम मर जाओगे, मृत्यु कुछ नहीं है। तो अशोक टेंशन में आ गया, अशोक परेशान, अशोक ने कहा यार तुम अच्छे इंसान हो ठीक है ना, चलो जितनी गद्दी ये सब बैठी है ये सब मेरे मंत्री हैं, तुम जो भी गद्दी में चाहो वो जाके बैठ जाओ और वो मंत्रालय तुम्हारा हो जाएगा। निग्रोध गया और अशोक की गद्दी पर बैठ गया, हमने सोचा मर गया, अशोक गया निग्रोध के पैर पर बैठ गया, अशोक ने कहा कि आप हमको बौद्ध धर्म की शिक्षा दीजिए, निग्रोध ने बौद्ध धर्म की शिक्षा देना उसको शुरू कर दिया। चाणक्य की अर्थशास्त्र से पता चला कि कलिंग हाथी और व्यापार के लिए बहुत अच्छा था, अशोक ने अपनी सेना को भेजा जाओ कलिंग पर हमला कर दो, कहा साहब कोई वो तो बताओ कोई कारण तो होना चाहिए हमला करने का, तो कलिंग के राजा नंदराज से कह दिया उसने कि तुम्हारे यहाँ के कुछ चोर आए थे और वो हमारे हीरे मड़ी मोती ये सब चुरा ले गए हैं, तो नंदराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तो ठीक है तो मैं आपको हीरे मड़ी मोती दे देता हूँ, कहा नहीं हमें वही चाहिए, कहा वही कहाँ से दें, फिर बहस हो गई और बहस में है ना इसको मौका मिल गया और अशोक ने अपनी सेना भेज दी और कलिंग युद्ध हो गया 261 BC में शासन काल के 8 वर्ष के बाद। जब बहुत नरसंहार हुआ फिर अशोक पहुंचा तो अशोक के अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षा कुछ ना कुछ मात्रा में पहुंच गई थी और उन्हें हर जगह खून ही खून देखा तो उसका मन द्रवित हो गया, और जब वो वापस आने लगा तब इसकी मुलाकात उपगुप्त से हुई, फिर इसके बाद मोगाली पुत्र तिस्त से हुई, इन लोगों ने पूरा बौद्ध धर्म इसको बता डाला और इसके जीवन का उद्देश्य है कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना, लोगों की भलाई करना, प्रजा को संतान जैसे समझना। इसने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाई, भेरी घोष मतलब होता है युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति धार्मिक नीति अपनाना शुरू कर दिया और अब अशोक अशोक महान कहलाएगा, सम्राट अशोक कहलाएगा। बात समझ आई, क्लियर है। चलो
निग्रोथ है, निग्रोस नहीं है, ठीक है, निग्रोथ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अगले पॉइंट पे आ जाए। तो हमने आपको क्या बताया बेटा, हमने आपको बताया कि शासनकाल के आठवें वर्ष, शासनकाल के आठवें वर्ष 261 बीसी में क्या लड़ा गया था, कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध लड़ा गया था, कलिंग किसके लिए फेमस था, हाथी और व्यापार के लिए। संभवतः कलिंग का राजा कौन हुआ करता था उसमें, नंदीराज या नंदराज। नंदराज पर आरोप लगा दिया, क्या आरोप लगाया, तुम्हारे यहाँ के कुछ चोर हमारे क्या चुरा ले गए, हीरे मणि मोती चुरा ले गए। और ये कहने के बाद इसने इस पर हमला कर दिया और इस युद्ध के बाद मन इसका द्रवित हो गया। पहली शिक्षा किसने दी थी इसको, निग्रोथ ने, फिर किसने दी थी, उपगुप्त ने, फिर किसने दी थी, मोगालीपुत्त तिश ने, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रभाव अशोक पर किसने डाला, तो आंसर है उपगुप्त ने। सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रभाव किस व्यक्ति ने डाला था अशोक पर, तो आंसर आएगा आपका उपगुप्त ने, क्लियर है। अब इसके जीवन का उद्देश्य क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। कौन सी नीति त्याग दी, भेरी घोष को त्याग दिया और धम्म घोष अपनाया। भेरी घोष मतलब होता है युद्ध नीति, युद्ध नीति को छोड़ दिया गया और धार्मिक नीति अपनाई गई, समझ आ गया। तो भेरी घोष को त्याग कर क्या युद्ध धम्म घोष अपनाया गया, इतनी बात क्लियर है बेटा। आगे बढ़ा जाए, बताओ आगे बढ़ा जाए। अच्छा, कल्लड़ की किताब कौन सी है, राजतरंगिणी। कल्लड़ की किताब कौन सी है, राजतरंगिणी। कल्लड़ की किताब राजतरंगिणी से हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है और उसमें बताया गया है कि अशोक पहले शिव जी का बहुत बड़ा पुजारी था, इसीलिए उसने वितस्ता नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे किसकी स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी भैया, श्रीनगर की स्थापना की थी, क्लियर है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि ये शिव जी का उपासक था, इस बात का पता मैं कैसे चलता है, तो कल्लड़ की राज तरंगिणी से पता चलता है, कल्लड़ की राज तरंगिणी से पता चलता है। देखते हैं भाई, कल्लड़ की राज तरंगिणी से, राज तरंगिणी से हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है, कश्मीर का इतिहास पता चलता है। और यहीं से पता चला कि अशोक क्या था, शिव जी को मानता था, शिव जी का उपासक था, और इसलिए इसने शिव जी के नाम पर वितस्ता नदी के किनारे, वितस्ता मतलब कि झेलम, वितस्ता मतलब झेलम, बताया था हमने आपको, वितस्ता मतलब कौन सी नदी है, झेलम नदी किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। बात समझ आई बेटा, श्रीनगर की स्थापना की थी। अब हम लोग बात किस पे करेंगे, है ना, अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि अशोक की पत्नी, है ना, अशोक की पत्नी और पुत्र, अशोक की पत्नी और पुत्र की बात करेंगे कि उसको कहां कहां से भेजा था, है ना, कहां कहां पर भेजा था उसको। देखते हैं भाई, पत्नी और पुत्र, पत्नी पुत्र, ठीक है ना। तो सबसे पहली पत्नी बताते हैं देवी पद्मावती, कारुवाकी, असंधि मात्रा, तिश्य रक्षिता, ठीक है। देवी से दो, एक बेटा एक बेटी थे जिसका नाम था महेंद्र और एक का नाम था संघमित्रा। कारुवाकी से एक बेटी एक बेटा था, बेटे का नाम था तीवर और बेटी का नाम था चारुमती।
तिशरचिता में आते हैं। जब अशोक ने तिशरचिता से शादी करी थी तो ये भी ब्राह्मण था, ये भी शिव जी को मानता था और ये भी शिव जी को मानती थी। लेकिन आगे चलकर जब इसने बौद्ध धर्म अपनाया तो तिशरचिता गुस्सा आ गया। अशोक ने अपने बालकनी में आंगन में एक पीपल का पेड़ लगवाया, तिशरचिता ने उसको उखड़वा के फेंक दिया, फिर अशोक ने इसको छोड़ दिया। तो बौद्ध धर्म की विरोधी पत्नी कौन सी थी? तिशरचिता। तिशरचिता महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा था प्रचार के लिए? श्रीलंका यानी कि सीलोन यानी सिंगली, यहां भेज दिया था। चारुमती गई थी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए नेपाल, और नेपाल के राजा है ना, नेपाल के राजा देवपाल थे। गई थी प्रचार करने चारुमती नेपाल, और नेपाल का राजा देवपाल से प्यार हो गया और बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। चारुमती को नेपाल का राजा देवपाल से प्यार हो गया और बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। कहने का मतलब यह है कि चारुमती की शादी देवपाल से हो गई, चारुमती का विवाह देवपाल से हो गया, और देवपाल ने अगर बौद्ध धर्म अपना लिया, राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो प्रजा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। तो सबसे तेज बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश कौन सा बन गया? नेपाल। सबसे तेज बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश, देश। अब क्या चारुमती ने जब देवपाल से विवाह किया तो अशोक आया, तो अशोक जब नेपाल आया तो अशोक ने नेपाल में भी एक नया नगर बसाया जिसका नाम था ललित पत्तन नगर। ललित पत्तन नगर ये बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। आगे चलकर चारुमती ने अपने पति देवपाल के नाम पर एक और नगर बसाया। तो यहां पे चारुमती ने नेपाल में एक नगर बसाया अपने पति के नाम पर, इसका नाम था देवपत्तन। तो चारुमती ने देवपत्तन नगर बसाया और अशोक ने ललित पत्तन नगर बसाया है नेपाल में, और अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की भी स्थापना की है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? श्रीनगर की भी क्या की इसने स्थापना की है। डन, पक्का। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है कि अशोक के साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था? तो अशोक के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में देखा जाए तो अफगानिस्तान यानी ईरान में था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसका कम हो गया अफगानिस्तान, और दक्षिण में देखा जाए तो बराबर कर्नाटक तक पहुंचा, पश्चिम में देखा जाए तो गुजरात तक पहुंचा है ना, और अगर हम लोग पूर्व की तरफ देखा जाए तो बंगाल तक था, बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है ना, और उत्तर में तो कश्मीर से था ही। तो अब मैं यहां पर एक बात बताता हूं, इसको रफ कर दूं, मैं इसको रफ कर दूं, पत्नी और ये। अच्छा, इसी में कह दिया जाए कि अशोक की प्रिय पत्नी कौन सी थी? तो अशोक की प्रिय पत्नी थी कारुवा की, और प्रिय पुत्र कौन सा है? तो तीवर। प्रिय पुत्र कौन सा है? तो तीवर। अशोक के चार पुत्रों का पता चलता है, अशोक के चार पुत्रों का पता चलता है। कितने पुत्रों का? चार पुत्रों का, ठीक है ना। उन चार पुत्रों में अगला राजा कौन बनता है? कुणाल। कौन बनता है भैया? कुणाल बनता है। बात समझ आई? तो अशोक के कुल कितने बेटे थे? तो अशोक के चार पुत्र थे, याद रखिएगा। अशोक के कितने पुत्र थे बेटा? तो अशोक के चार पुत्र थे, ठीक है। कौन कौन से थे भैया? देखते हैं। तीवर था, महेंद्र था, कुणाल था और जालौक था, ठीक है ना। ये चार याद कर लीजिए आप, अशोक के चार पुत्र थे, तीवर और महेंद्र बताए दिए हैं। तीवर था, महेंद्र था, कुणाल था और जालौक था। तो ये अशोक के चार पुत्र है, ठीक है ना। तो अशोक के मर जाने के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? कुणाल बैठता है, कुणाल है ना। फिर कुणाल के मर जाने पर गद्दी पर बैठता है संप्रति, संप्रति, और संप्रति के बाद गद्दी पर बैठता है दशरथ, दशरथ के बाद भी धीमे धीमे करके लास्ट में बैठता है बृहद्रथ। समझा गया कुछ इस प्रकार से? तो कोई बात नहीं, अशोक के चार पुत्र थे जिनमें प्रिय पुत्र कौन सा था? तीवर था। कौन सा बेटा? तीवर था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अशोक के साम्राज्य का विस्तार। अब हम लोग किस पर आते हैं बेटा? अशोक के साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। तो विस्तार पर बात करते हैं। तो हमने बताया आपको उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अफगानिस्तान, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक। समझा गया? तो ये इसका विस्तार था। तो बंगाल तक विस्तार था, मतलब कि असम वाला जो क्षेत्र है वो अभी तक हमको अशोक में देखने को नहीं मिला। तो याद रखेंगे कि किसी भी साक्ष्य से हमको ये नहीं पता चलता कि मौर्य साम्राज्य में असम क्षेत्र शामिल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है।
अशोक के बाद गद्दी पर कुणाल बैठा था, कुणाल, फिर बैठा था कुणाल का पुत्र संप्रति। तो हमने क्या बताया आपको, विस्तार। तो अगर विस्तार देखा जाए तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लेते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण में हमने बताया कर्नाटक, पूरब में हमने बताया बंगाल, उत्तर में बताया हमने आपको कश्मीर, और पश्चिम में बताया काठियावाड़ा मतलब गुजरात, इधर बताया हमने आपको अफगानिस्तान। ठीक है ना, तो आपको बताना है क्या कि असम का कोई भी साक्ष्य, असम का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, मतलब कि मौर्य साम्राज्य में कौन सा राज्य नहीं था, तो आपको लगाना है असम। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है इसलिए इसको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा आपको कि अशोक हर 5 साल के बाद, अशोक हर 5 साल के बाद अपने अधिकारियों को जनता के पास भेजता था और जनता से पूछता था कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। अगर अधिकारी गए और उन्होंने जनता से पूछा कोई समस्या तो नहीं, अगर जनता ने कह दिया हाँ समस्या है, कोई बुढ़ा कह दिया हाँ समस्या है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो सैनिकों को उनके पैर भी दबाने पड़ जाएंगे। अशोक भेष बदल कर घूमा करता था सबके पास और पूछता था यार राजा अच्छा नहीं है ना, तो लोग कहते अरे कैसी बात कर रहे हो, राजा अच्छा तो है, कहा नहीं अच्छा नहीं है ना, और अगर किसी ने कह दिया हाँ राजा अच्छा नहीं है तो उससे पूछता था क्यों अच्छा नहीं है, फिर इसके बाद उसकी समस्या का समाधान करता था। ठीक है ना, तो अशोक ने अपना आधा जीवन जनता के बीच में ही गुजार दिया और जनता पता नहीं करवा पाई कि ऐसा भी था। बात समझ आई बेटा, अरे हाँ कि ना। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद है ना, यह प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपने अधिकारियों को जनता के पास उनके दुखों का पता करने के लिए भेजता था, और 5 साल बाद जाता था अधिकारी, और प्रत्येक 10 वर्ष बाद ये खुद जाता था, प्रत्येक 10 वर्ष बाद यह स्वयं जनता के पास जाता था। तो 5वें वर्ष ये जाते थे, 10वें वर्ष ये दोनों जाते थे, अधिकारी और ये दोनों है ना जनता के पास जाता था। तो ये शासनकाल के 10वें वर्ष कहाँ गया था, तो शासनकाल के 10वें वर्ष ये गया था बोध गया। ठीक है, और 20वें वर्ष शासनकाल के 20वें वर्ष ये गया था लुम्बिनी, और जब ये लुम्बिनी जा रहा था, जब ये लुम्बिनी जा रहा था तो वहां के लोगों ने कहा कि भैया हम इतना राजस्व नहीं दे पाएंगे, इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे है ना, तो इसने क्या कर दिया, इसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया, लुम्बिनी से कह दिया कि कोई व्यक्ति यहां से कर नहीं लेगा क्योंकि ये गौतम बुद्ध का है ना जन्म स्थान है, तो यहां पर आप कोई क्या करेगा, कोई भी कर नहीं लेगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है। और अगर कर लिया जाएगा अन्य क्षेत्रों में है ना, तो वो 1/8 लिया जाएगा, कितना भैया 1/8। ठीक है, तो लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया और बाकी राजस्व कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। बात समझा रही है, 1/8 कर दिया, जो लगभग 1/4 हुआ करता था वो 1/8 पहुंच गया। हाँ, शासन का 10वें वर्ष कहाँ गया था, बोध गया, 20वें वर्ष कहाँ गया था, लुम्बिनी, और इसी समय लुम्बिनी को क्या करमुक्त घोषित कर दिया था और राजस्व का दर क्या कर दिया था, 1/8 कर दिया था। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्वेश्चन बनता है नेपाल, नेपाल से क्वेश्चन बनाते हैं कि नेपाल से क्वेश्चन बनता है कि अशोक के दो अभिलेख हमको नेपाल के तराई क्षेत्र मतलब लुम्बिनी से प्राप्त हुए हैं, तो पेपर में आता है नेपाल में अशोक के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एक है रुम्मिन देई का अभिलेख, एक क्या है बेटा रुम्मिन देई का अभिलेख, और एक है आपका निगलिवा का अभिलेख, क्या है निगलिवा का अभिलेख। ठीक है, तो अशोक के दो अभिलेख नेपाल से प्राप्त हुए हैं, एक है रुम्मिन देई का अभिलेख, रुम्मिन देई का अभिलेख, और एक है निगलवा का अभिलेख है ना, और रुम्मिन देई से बुद्ध की जीवन का पता चलता है, बुद्ध की जीवनी का पता चलता है, याद रखिएगा
बुद्ध की जीवनी का पता हमको रुम्बिनदेही अभिलेख से चलता है और नेपाल के लुम्बिनी में है, और लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था, किसका? गौतम बुद्ध का। इतने में कोई समस्या बेटा, जल्दी बताओ आगे बढ़े। हाँ रुम्बिनदेही, रुम्बिनदेही याद रखेंगे, रुम्बिनदेही, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, बुद्ध की जीवनी का पता चलता है ना। एक क्वेश्चन और भी याद आ गया एकदम से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको, क्या कि मौर्यकालीन की आर्थिक जानकारी चाणक्य के अर्थशास्त्र पता चलती है, लेकिन किस अभिलेख से हमको मौर्य वंश की कर नीति, टैक्स पॉलिसी या अर्थव्यवस्था का पता चलता है? तो भी आंसर क्या है? रुम्बिनदेही। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया हमें, क्या कि मौर्य काल की आर्थिक नीति या कर नीति का पता भी हमको, आर्थिक नीति या कर नीति का पता भी हमको रुम्बिनदेही से चलता है, और यहीं से हमें बुद्ध की जीवनी का ही पता चलता है इस अभिलेख से, ठीक है। अच्छा अशोक के बौद्ध होने का कारण, अशोक ने कभी भी दर्शाया नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना चुका है तो वो बौद्ध धर्म लोगों पर थोपेगा, ऐसा उसने कभी नहीं किया। उसने कहा अगर आपको जो धर्म अच्छा लगता है वो अपनाइए, हमारा काम है अच्छी बातें बताना, ये नहीं किसी धर्म का प्रचार करना। लेकिन एक अभिलेख में, एक ही अभिलेख है मात्र जिससे अशोक के बौद्ध होने का पता चला कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, सबसे अच्छा प्रमाण हमें अशोक के किस अभिलेख से चला है? तो आपको याद करना पड़ेगा भाबरू वैराट अभिलेख से, और भाबरू वैराट अभिलेख राजस्थान में प्राप्त होता है। हाँ याद रहेगा बेटा, क्लियर है। तो अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण पत्र हमको भाबरू वैराट अभिलेख से प्राप्त होता है, और ये भाबरू वैराट अभिलेख कहाँ पर है? राजस्थान में है। बात समझ जाए बेटा, बात क्लियर है, ठीक है। देखते हैं भाई, यहाँ लिखेंगे हम अशोक के प्रबल, अशोक के बौद्ध होने का, अशोक के बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण, प्रबल प्रमाण हमें कौन से अभिलेख से चलता है? तो याद रखेंगे भाबरू वैराट, क्या है बेटा? भाबरू वैराट अभिलेख। अरे भाबरू वैराट अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। कोई समस्या? अब आपको पता है कि अशोक ने कौन से दो स्तूप बनवाए थे, अशोक ने कौन से दो स्तूप बनवाए थे? एक पता था सांची का स्तूप, एक क्या है? सांची का स्तूप। एक क्या है? भरूच का स्तूप, है ना। एक क्या है? सांची का स्तूप, और एक क्या है? भरूच का स्तूप, और एक क्या है? सारनाथ वाला स्तंभ। समझ में आ गया? तो सारनाथ वाला स्तंभ हो गया, और सांची का स्तूप हो गया, भरूच का स्तूप हो गया, ये सब स्तूप किसने बनवाया है? तो आंसर क्या है? अशोक ने। ऐसे लिख लेते हैं सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, सारनाथ स्तंभ, ठीक है। ये सभी किसने बनवाए हैं बेटा? तो ये सभी अशोक ने बनवाए हैं। किसने बनवाए बेटा? अशोक ने बनवाया। तो सांचे का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में, ये हमने आपको बताया था बात। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में है, है ना। और बराबर की पहाड़ियां कटवाई थी ना, बराबर की पहाड़ियां बताई थी हमने आपको कि अशोक ने आजीवक धर्म के लिए, है ना, अगर अगर वो बौद्ध धर्म को अपनाता बहुत अच्छे से तो वो आजीवक धर्म के लोगों के लिए कुछ ना करता। लेकिन अशोक को बताया था हमने आपको जैन धर्म में, आजीवक धर्म में, कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को कटवाया था, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को कटवाया था, और कटवाने के बाद उसने चार प्रकार की गुफाएं बनवाई थी, किस धर्म के लोगों के लिए? आजीवक धर्म के लोगों के लिए, है ना। कर्ण चौपाल की गुफा, सुदामा की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, राजा की झोपड़ी या विश्व की झोपड़ी, ये इसने चार प्रकार की गुफाएं बनवाई थी। ये बात हमने आपको बताई थी, कर्ण की गुफा, कर्ण चौपाल गुफा, सुदामा गुफा, है ना, विश्व झोपड़ी, राजा की झोपड़ी या लोमस ऋषि गुफा, ठीक है। डन है, क्लियर है, पक्का। अच्छा अब अशोक ने, हमने बताया था अशोक ने भेरी घोष की नीति को त्याग कर
धम्म घोष की नीति अपनाई थी, धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में उसने क्या कहा कि अशोक की प्रजा मेरी संतान है, प्रजा की भलाई करना ही मेरा धर्म है। इसका पूरा स्टेटमेंट यही होता ना कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसका पूरा स्टेटमेंट अगर लिखा जाए कि जो कलिंग लेख है, कलिंग में उसका अभिलेख मिलता है, उसमें लिखा है उसने कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, है ना। जिस प्रकार मैं अपने संतान के लिए अलौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार से अपनी प्रजा के लिए भी, है ना। तो कलिंग का एक अभिलेख मिलता है, कलिंग के अभिलेख में उसने काफी चीजें लिखवा रखी हैं। कलिंग के अभिलेख में उसने काफी चीजें लिखवा रखी हैं, जैसे एक ही हो गया कि सभी की प्रजा मेरी संतान है ना, मैं उनके कल्याण की कामना करता हूँ। उसी में एक अभिलेख ये भी लिखवा रखा है, जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए, है ना, जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए परेशान रहती है, हाँ, कि कहीं वो खराब ना हो जाए, कहीं वो बर्बाद ना हो जाए, उसी प्रकार से मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ कि मेरी प्रजा कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं मेरी प्रजा को कुछ दुख ना पहुँच जाए, है ना। इसलिए जिस प्रकार से माता है ना एक अच्छे चीज़ों की नियुक्ति करती है, एक अच्छे टीचर की, है ना, इस प्रकार से मैं भी एक अच्छे राजकों की नियुक्ति करता हूँ ताकि वो प्रजा की भलाई करता रहे, है ना। तो कलिंग लेख में है, याद रखिएगा, कलिंग लेख में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितनी भी अगर आपसे बात की जाए कि प्रजा मेरी संतान है, या फिर जैसे एक माँ अपने संतान के लिए, इस प्रकार से अगर कोई अभिलेख मिलता है तो आप बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कलिंग अभिलेख से मिलती हैं। जब उन्हें कलिंग पर हमला किया था तो कलिंग में यही सब चीज़ें उसने लिखवाई थी, क्या कि प्रजा मेरी संतान है, ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है, है ना। और एक और, जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए अच्छी चीज़ों का चुनाव करती है, है ना, उसी प्रकार से, है ना, मैं भी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट आपको बताए हमने, ये कौन से अभिलेख मिलते हैं हमको, तो कलिंग अभिलेख मिलते हैं। इतने में कोई समस्या बेटा, बताओ, इतने में कोई समस्या, पक्का ना, इतने में कोई समस्या नहीं हुई है। तो हम आगे देखते हैं कि अशोक ने लिखने की कला कहाँ से सीखी, क्योंकि मेघस नीज की किताब इंडिका में उसने बताया था कि भारतीयों को लिखना नहीं आता। धीमे धीमे पढ़ रहे हैं हम लोग, धीमे धीमे पढ़ेंगे, है ना, इतनी जल्दी जल्दी क्या करेंगे, धीमे धीमे पढ़िए आराम से, हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, जल्दी से पढ़ाएंगे, हम भी थक जाएंगे और पूरा डाटा भी कौन ना दे पाए आपको, है ना। तो धीमे धीमे पढ़िए आराम से, है ना, हमें भी आराम से सोचने दीजिए, बुढ़ापा तो आ ही गया है मेरा, तो धीमे धीमे कम कम याद भी रहता है, तो धीमे धीमे अगर पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद भी रहेंगी हम लोगों को, बात समझ आ रही, इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि अशोक ने लिखने की कला कहाँ से सीखी, अशोक ने लिखने की कला कहाँ से सीखी। तो अशोक ने लिखने की कला फारस के राजा डेरियस थर्ड से सीखी थी, ठीक है ना। डेरियस फर्स्ट ने भारत पर हमला किया था, बताया था हमने आपको, डेरियस फर्स्ट ने हमला किया था 510 BC में, ठीक है ना। तो डेरियस फर्स्ट आएगा, तो डेरियस के बाद आगे से डेरियस थर्ड आएगा, तो अशोक ने उससे लिखने की कला सीखी थी, है ना। तो अब आते हैं क्या कि लिखने की कला की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें तो लिखने कला कहाँ सीखी, तो फारस के राजा से सीखी। फारस मतलब होता है ईरान के राजा डेरियस थर्ड, इसी कहते हैं दारा, ठीक है ना। तो डेरियस थर्ड से इसने लिखने की कला सीखी। तो लिखने की कला में भाषा क्या यूज़ करी है, तो भाषा है प्राकृत, और लिपियां तो 3-4 यूज़ कर ली हैं, जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक और ग्रीक, है ना, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक और ग्रीक। अगर आपसे कह दिया जाए सर्वाधिक कौन सी लिपि प्रयोग की गई है, तो सर्वाधिक कौन सी प्रयोग की गई है अशोक के द्वारा, तो ब्राह्मी लिपि को, और इसे पढ़कर सर्वप्रथम, है ना, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने बताया था कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे सबसे पहले पढ़कर बताया था। लेकिन अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो आंसर आपको लगाना है 1750 में पाद्रोही फैनथेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी, ठीक है ना। तो खोज होगी तभी तो पढ़ पाएंगे हम। आते हैं खरोष्ठी अभिलेख, है ना, तो मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा और
शाहबाज गढ़ी नाम के क्षेत्रों से, मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी नाम के क्षेत्रों से हमें खरोष्ठी लिपि का पता चलता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मानसेहरा कहाँ पर है और शाहबाज गढ़ी कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में ही दोनों पढ़ते हैं। पाकिस्तान के हजारा ज़िले में मानसेहरा है और पेशावर ज़िले में शाहबाज गढ़ी है ना, तो ये दोनों क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, पाकिस्तान में है। जो पहला वाला है मानसेहरा, ये पड़ता है हजारा ज़िले में, ठीक है, और शाहबाज गढ़ी जो है वो पड़ता है पेशावर में, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अरेमाइक और ग्रीक दोनों लिपियां प्रयोग की गई हैं, द्विभाषी लिपि का प्रयोग किया गया है, है ना। तो आंसर है सर ए कुना। तो सर ए कुना कहाँ पड़ता है, कांधार में। कांधार समझ रहे हो ना, कांधार काबुल वाला अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो अरेमाइक और ग्रीक लिपि दोनों लिपियों का प्रयोग है ना कहाँ से हमें प्राप्त मिलता है, तो सर ए कुना नाम के अभिलेख से प्राप्त होता है। और सर ए कुना कहाँ पड़ता है, तो अफगान में पड़ता है। अफगान में कहाँ पे, कांधार में। कोई समस्या बेटा बताओ, अगर समस्या नहीं हुई तुम आगे बढ़ें। हाँ, मानसेहरा शाहबाज गढ़ी, बिल्कुल सही, आगे बढ़ा जाए बेटा, बताइए अगला बता दीजिए, तुम लोग आगे बढ़ें, बढ़ा जाए आगे। बताइए, जल्दी बताइए, आगे बढ़ा जाए, पक्का। डन, ठीक है। अब कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कि मौर्य वंश में बताइए हम लोग कह देगा जाए कि प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, हम लोग प्रधानमंत्री को मौर्य वंश में क्या कहा जाता था, ठीक है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि युद्ध विभाग का मंत्री किसको कहा जाता था, ठीक है, तो इस प्रकार से एक वन लाइनर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पेपर में कई ज़्यादा मात्रा में आए हैं। जैसे राजकीय कोषाध्यक्ष है ना, राज के धन का अध्यक्ष कौन होता था, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखते हैं भाई, अगर हम अशोक के अभिलेखों को बांटें तो 43 प्लस में बांट सकते हैं। जैसे कि हम मान के चलो कि 13 शिलालेख है अशोक के, शिलालेख मतलब कि बड़े बड़ी चट्टानों पर जो लेख पाए गए हैं 14, 13 लघु शिलालेख है मतलब छोटी छोटी चट्टानों पर जो लेख पाए गए हैं, ठीक है, 7 स्तंभ लेख है मतलब बड़े बड़े खंभे हैं, स्तंभ लेख हैं, और 6 लघु स्तंभ लेख हैं, 6 क्या है, लघु स्तंभ लेख हैं, और 3 गुहा लेख हैं। गुहा मतलब होता है गुफा में, तो जोड़ देखो 43 के आसपास आएंगे, कुछ एक दो छुटकर में मिल जाते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या, अन्न के भंडार का पता हमें कौन से अभिलेखों से पता चलता है, तो याद रखिएगा सोहगोरा और महास्थान, बंगाल में पड़ता है महास्थान अभिलेख, ठीक है ना। सोहगोरा और महास्थान अभिलेख से हमें अशोक के अन्न भंडार का पता चलता है, याद रखिएगा अशोक के अन्न का भंडार का पता हमको सोहगोरा और महास्थान अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। कुछ शिलालेखों की बात कर लेते हैं, जैसे कि एक दो सात प्लस आठ तेरह और 14, है ना, बस इतने, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। पहला अभिलेख बताता है कि मेरे यहाँ पशु बलि की बुराई की जाती है, पशु बलि की निंदा अशोक ने लिखवाया, मेरे यहाँ पशु बलि नहीं दी जाती है। दूसरा क्या लिखवाया उसने, मनुष्य हो और चाहे पशु दोनों के लिए जीवन अमूल्य है, तो मनुष्य और पशु दोनों के लिए मेरे यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था थी, ये वाला पॉइंट। 7वां और 8वें अभिलेख में अशोक की बौद्ध यात्रा पता चलती है, अशोक की बौद्ध यात्रा का पता चलता है कि बताया नहीं था कि 10वें वर्ष 20वें वर्ष लुम्बिनी बोध गया, फिर लुम्बिनी, है ना। 13वें में अशोक के कलिंग युद्ध का पता चलता है,
ठीक है। और चौदहवें अभिलेख में बताता है अशोक अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था, ये धर्म थोपता नहीं था, धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था प्रजा को, धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था अशोक अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था। तो आपको अशोक के टोटल 1, 2, 2, 2, 4, 2, 6 है ना, अशोक को आपको सिर्फ टोटल और टोटल ये 6-7 अभिलेख याद कर लेने हैं, बाकी आपको ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी है, ठीक है ना, ज़्यादा इसको परेशान नहीं करना है, ठीक है ना, इतना है उतना काफ़ी है। आगे बढ़ा जाए बेटा, बताओ हम लोग आगे बढ़ें थोड़ा सा, पक्का? अच्छा आप लोग बताइए कि अगर 100 गांव का समूह क्या कहलाता है, 100 गांव का समूह क्या कहलाता है, 200 गांव का समूह क्या कहलाता है, 400 गांव का, देखो हमेशा देखो चाणक्य ने बताया ना, चाणक्य ने बताया था मौर्य साम्राज्य में 16 की इकाई का प्रयोग होता है, 16 दुनी 32 64 मतलब कि माप तौल में इसी हिसाब से प्रयोग होता था 16 की इकाई का, जैसे नहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे वैसे ये भी करते थे। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है 100 गांव का समूह क्या कहलाता है, है ना, और 100 गांव को मिला लिया जाए तो क्या कहलाता है, 100 गांव, 200 गांव, है ना, फिर 400 गांव, फिर 800 गांव समूह क्या कहलाता है, इस प्रकार से आप हमको बताइए कि किसका समूह क्या कहलाता है। बताइए बेटा जल्दी, बताइए जल्दी से, 100 गांव का समूह क्या कहलाता है, 200 गांव का समूह क्या कहलाता है, 400 गांव का समूह क्या कहलाता है, 800 गांव का समूह क्या कहलाता है, है ना, ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ठीक है, 100 गांव समूह क्या कहलाता है, 100 गांव समूह संग्रहण कहलाता है, 200 गांव समूह खरवाटी कहलाता है, 400 गांव समूह द्रोणामुख कहलाता है, 800 गांव समूह स्थानीय कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, स्थानीय। अब आ जाएगा स्थानीय का समूह, स्थानीय का समूह क्या कहलाता है, फिर स्थानीय का समूह आहार कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, आहार, याद रखिएगा स्थानीय समूह क्या कहलाता है, आहार, अगर आहार ऑप्शन में ना आए आपके तो लगा देंगे विषय, क्या लगा देंगे भैया, विषय, और विषय का समूह क्या कहलाता है, प्रांत मतलब राज्य, विषय का समूह क्या कहलाता है, विषय का समूह कहलाता है प्रांत यानी कि राज्य, और प्रांत का समूह क्या कहलाता है, साम्राज्य, प्रांत का समूह क्या कहलाता है भैया, साम्राज्य कहलाता है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, 100 गांव का समूह संग्रहण, 200 गांव समूह, है ना, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। हम लोग आते हैं गुप्तचर विभाग में, गुप्तचरों को मौर्य वंश में गूढ़ पुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, गूढ़ पुरुष कहते हैं, और गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, एक था संस्था और एक था संचार। संस्था क्या होता था, जो एक एक ही जगह रहकर, है ना, किसने क्या कहा राजा के विषय में, किसने क्या कहा, एक ही जगह पर रहकर, है ना, सारी जानकारी राजा को दिया करते थे, और एक थे संचार जो घूम घूम कर जानकारी दिया करते थे, ठीक है ना। तो गुप्तचर में, गुप्तचर में आपको याद करना है कि गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अगर एरियन की बात की जाए, एरियन यूनानी इतिहासकार है, एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर कहा है, क्या कहा है, ओवरसियर, और जबकि स्ट्रैबो ने इन गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है, क्या कहा है भैया, इंस्पेक्टर, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब जो आदमी अगर गुप्तचर है, अगर आदमी गुप्तचर है तो वो संति, तिसना, सारद कहा जाएगा, और अगर स्त्री गुप्तचर है तो वो वृषली, भिक्षुकी और परिव्राजक कही जाएगी, और परिव्राजक शब्द जो है वो कई बार पेपर में आया हुआ है, तो मैं इसको रफ करूं बेटा, ये इतनी बात समझ नहीं आई, तो थोड़ी सी बात गुप्तचरों पर कर लेते हैं, थोड़ी सी बात हम लोग गुप्तचरों पर कर लेते हैं, बाकी तो आपको नोट्स में सब कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोग हम कुछ बात क्या कर लेते हैं, गुप्तचरों पर कर लेते हैं। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अगर ये गुप्तचर क्या है, पुरुष हैं, तो उनको संति, तिसना, सारद कहा जाएगा, और अगर ये स्त्री हैं तो ऐसे याद कर लो, भिक्षुकी
भिक्षु की परिव्राजक, दो याद कर लो, भिक्षु की और परिव्राजक, हालांकि व्रसली भी कहा जाता है, भिक्षु और परिव्राजक कहा जाता है। बात क्लियर है बेटा, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब ये गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे, ये गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, एक था संस्था और एक था संचार। संस्था क्या था, एक ही स्थान पर रहकर जानकारी इकट्ठा करते थे, एक ही स्थान पर रहते थे, एक ही स्थान पर रहा करते थे, है ना। और संचार क्या है, मतलब संचार मतलब कम्युनिकेशन, है ना, भ्रमण करते थे, भ्रमण करते थे, समझ आ गया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि किसने क्या कहा, तो स्ट्रैबो ने इन गुप्तचरों को, स्ट्रैबो ने इन गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मॉरवंश इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, मॉरवंश बेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं इसको बताने का, ठीक है ना, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि है, ठीक है। तो स्ट्रैबो ने इसको क्या कहा था, स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा था, और एरियन ने इनको क्या कहा था, ओवरसियर, क्या कहा था भैया, एरियन ने इनको ओवरसियर कहा था, एरियन ने इनको ओवरसियर कहा था, ओवरसियर, ठीक है ना, एरियन ने इनको क्या कहा था, ओवरसियर कहा था। बात समझ आ रही है, क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए कोई समस्या, पक्का, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो इतना काफी है, बाकी आप याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। हाँ, अब एक बात समझ लीजिए, अशोक ने अपनी राज्यों को पांच भागों में बांटा था, ये इंपॉर्टेंट है, अशोक ने अपने पूरे राज्यों को पांच भागों में बांटा था, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से लेकर पांच भागों में बांटा था। तो अगर उसकी राजधानी आपसे पूछ ली जाए कि, तो उसको राजधानी आपसे पूछ ली जाए कि अशोक की राज्य उत्तरापथ की राजधानी, मतलब उत्तर के क्षेत्र की राजधानी किसको बनाया था, दक्षिण की राजधानी किसको बनाया था, अवंती राज की राजधानी किसको बनाया था, इस प्रकार से, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछ लेता है तो ये आपको फंसा देगा। तो आज का लास्ट बात करते हैं, है ना, अशोक के प्रांतों को बांटते हैं और उनकी राजधानी, है ना, प्रांतों का विभाजन और राजधानी, प्रांतों का विभाजन और राजधानी, विभाजन और राजधानी, विभाजन और राजधानी, विभाजन और राजधानी की बात की जाए, जैसे उत्तरापथ मतलब उत्तर के क्षेत्र की राजधानी क्या थी, दक्षिणापथ दक्षिण क्षेत्र की राजधानी क्या थी, है ना, अवंतीपथ यानी अवंती राष्ट्र, है ना, इसके बाद कलिंग हो गया, अवंती वही उज्जैन जिसकी राजधानी है, है ना, कलिंग हो गया, और एक और होगा। तो पहले इतना बताइए, उत्तरापथ की राजधानी क्या होगी, तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी क्या है, तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी क्या है भैया, दक्षिणापथ की, बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, दक्षिणापथ की राजधानी क्या, जल्दी बताइए फास्ट, दक्षिणापथ की राजधानी, जल्दी से, जल्दी से, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, क्या है, सुवर्णगिरी, ठीक है। अवंती की तो पता ही है, उज्जैनी, उज्जैनी यानी उज्जैन, और कलिंग की है तोशली। तो हमने क्या देखा भैया, हमने देखा कि उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, बीच का बचा ना मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रांत, है ना, मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इसकी राजधानी खुद की होगी, जहां पे रहता था पाटलिपुत्र, ठीक है। तो अब अगर पूछा जाए अशोक ने अपने प्रांतों को कितने भागों में बांटा था, तो अशोक ने अपने प्रांतों को पांच भागों में बांटा था। अशोक ने अपने प्रांतों को कितने भागों में बांटा था भैया, पांच भागों में बांटा था। बात क्लियर है बेटा, कोई समस्या, पक्का नहीं ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था संग्रहण क्या होता था, 100 गांव का समूह होता था। संग्रहण क्या होता था भैया, 100 गांव का समूह होता था, है ना, और खरवाटिक 200 गांव का समूह होता था। अगर आपसे इसी में कह दिया जाए, अगर इसी में आपसे कह दिया जाए कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ना, यहाँ पे मौर्य कह दिया जाए समाज की सबसे छोटी इकाई, अगर समाज की पूछता है तो आप बताएंगे कुल है, परिवार, है ना। और अगर आपसे कह देता है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बताइए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो परिवार थोड़ा होता है, फिर तो गांव होता है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, गांव होगी, ठीक है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, गांव होगी, क्लियर है। इसी में आपसे जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता है, जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता है, ठीक है ना। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक कहलाता है, ये SSC के पेपर में कई बार आया है। जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता है,
तो जिले का प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है स्थानिक, क्या कहलाता है भैया स्थानिक। ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में कि जिले का है ना प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था, तो स्थानिक कहलाता था, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। और स्थानिक के ऊपर होते थे गोप है ना, और गोप के अंदर में 10 गांव कम से कम आया करते थे, और ये सभी समाहर्ता के अधीन होते थे। तो इतना नहीं आता है पेपर में यार, इतना नहीं आना है, क्लियर है पक्का। तो आज हम लोगों ने मौर्य वंश पढ़ा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया मौर्य वंश पढ़ा, और कल से हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश, कण्व, आंध्र सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश, संगम काल, चोल चेर पांड्या है ना, इन सब पर हम लोग कल चर्चा करेंगे है ना। बात समझ में आ रही है, डन है बेटा। आज 10 जून हो गए हम लोग की, अभी एंशियंट हिस्ट्री चल रही है ना, मिडवल हिस्ट्री आपके पास बहुत आसानी से आ जाएगी, मिडवल हिस्ट्री हमारे पास पहले से ही आपको पता ही है। तो मुगल काल का पूरा वीडियो डिप्ली लेवल में है, उसको आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और बाकी जो इधर दिल्ली सल्तनत होगी वो हम आपको ओरली पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए हाँ, फिर हम लोग बाकी जो बची चीज़ें होंगी उनमें सबसे ज़्यादा बात हम लोग डीपली जाकर वन बाय वन एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, स्थानिक, और स्थानिक के ऊपर होते थे गोप, गोप के ऊपर होता था समाहर्ता, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा हमने पढ़ाया आज आपको, जितना मन करे उतना पढ़िएगा बस, हालांकि इतना नहीं आता है। चलते हैं, ठीक है, थैंक यू।